हे तुम बॉल को पास करो जरा। अरे बहरी हो क्या? पागल हो गई है क्या? मैगन, स्कूल में स्वागत है। हेलो किटी। लेकिन तुमने बॉल को क्यों फोड़ दिया? तुम्हें अपनी असलियत छुपानी चाहिए थी ना। मैं छुपाऊंगी, मैं इन बेवकूफों को सबक सिखाए बिना नहीं रह पाई। ओके, जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखाती हूँ। तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? सॉरी, मैं मेगन में नई आई हूँ। अच्छा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं टायलर हूँ। अरे पहलवान की बेटी हो क्या? चलो मैं चलता हूँ। रुको, अरे शुक्रिया। ये तो बस आदत है। मैं हमेशा अपनी छोटी बहन के फीते बांधती हूँ। तुम अजीब हो पर मुझे पसंद हो। तुम यहाँ पे नई आई हो ना, मैं तुम्हें पूरा स्कूल घुमा सकता हूँ। तो क्या हम चलें? इसे भी अभी होना था। ओ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। ओ सॉरी। मुझे वो पसंद है, ज्यादा, हद से ज्यादा। इसे हमारी बॉल का हिसाब चुकाना होगा। अरे नहीं 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 नहीं, इस खतरनाक लड़की से जितना दूर रहे उतना ठीक। ओए, नई छोकरी आ गई क्या? मैं उसे बताऊंगी यहाँ का डॉन कौन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बात समझ में नहीं आई नई लड़की कि तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया। हाँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग का रिवाज मेरे राज्य में नहीं चलता। अच्छा, तो मेरे सामने होशियारी, शायद तुम होमवर्क के भी ऐसे ही जवाब दोगी। किसी नए स्टूडेंट से पहले दिन होमवर्क पूछना स्कूल के नियमों के खिलाफ है। तो तुम मुझे अब नियम सिखाओगी? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता सकती हूँ। नियम एक, आप विद्यार्थी पर चिल्ला नहीं सकती। तो तुम मुझे अब सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? देखो ना, मैं चिल्ला रही हूँ और ना ही गुस्सा हूँ। आप नाराज हो, आपका हार्ट 110 बीट प्रति मिनट की रेट पर है, आपका चेहरा भड़क रहा है और आपने टेबल पर हाथ मारा। ये शानदार है। शाबाश, तुमने टीचर को दिखा दिया। तुम्हें ये फनी लगता है? अपना अपना होमवर्क निकालो। टायलर। हाँ ठीक है, ये लो। ये सब क्या है? इतनी गड़बड़ क्यों कर रखी है? क्या फर्क पड़ता है, आखिर में आंसर तो सही है। हाँ, लेकिन काम साफ सुथरा होना चाहिए। तुम्हें एक एफ मिलेगा। लेकिन ये ना इंसाफी है। बैठ जाओ, अगला होमवर्क लाओ। तो चलो बाहर चलोगे? क्या मैं भी आ सकता हूँ? मेगन, हमारे साथ चलोगी? हाँ, मैं टहलने नहीं जाऊंगी, मुझे काम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहती हो? नहीं, टायलर को दिए गए गलत ग्रेड के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मेरा काम है, मैं तय करूंगी कि किसको कितने ग्रेड मिलने चाहिए। मेगन, तुम ये क्या कर रही हो? टायलर को हर्ट करने की इजाजत किसी को नहीं है। टायलर, अरे नहीं। हेलो मेगन, क्या तुम अभी फ्री हो मेरे साथ फिल्म देखने के लिए? मेगन आज नहीं जा सकती, उसके पास शाम तक एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। किटी, ठीक है, क्या तुम मेगन को बता दोगी कि मैंने कॉल किया था? हाँ बिल्कुल, बाय टायलर। ये क्या था? हाँ किटी, तुम वापस आ गई? ये क्या बकवास है? हाँ, हमने तय किया था कि अपनी चालों में तुम ऐसे मेरा इस्तेमाल नहीं करोगी, और तुमने टायलर से मेरी आवाज में बात की। प्लीज माफ कर दो, मैं बस। आखिर बस क्या? तुम टायलर को पसंद नहीं करती हो तो उसे बोल दो ना, मुझे इन्वॉल्व क्यों कर रही हो तुम? मुझे पसंद है। तो फिर उसके साथ बाहर जाने से मना क्यों किया तुमने? हम वैसे भी साथ नहीं रह सकते। अगर उसे मेरे अतीत के बारे में पता चला कि मैं कौन हूँ,
उसे बहुत दुख होगा। मैं प्यार के लायक नहीं। ठीक है, मैं समझती हूँ। अरे पर ऐसे कैसे? क्या सब यहाँ है? हम क्या कर रहे हैं? चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। माफ करना मिस लिली, लेकिन मिस क्रिस्टी को वॉलीबॉल क्लास लेनी थी। वो बीमार है, उनकी जगह मैं हूँ। तो खड़े क्यों हो? शाबाश शाबाश। मेरे लिए रुको यार। बहुत बढ़िया। जैक, सबसे पहले तुम लेट क्यों हो? और दूसरा, तुमने मेरा फूलदान क्यों लिया? आपको पता चल जाएगा अभी। मैंने कुछ नई चीज सीखी है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है? ठीक है। रुक जाइए, अभी दिखाता हूँ क्या होगा। आबरा का डाबरा गिली गिली चू। तुम सभी चुप हो जाओ घन चक्करो। आबरा का डाबरा गिली गिली चू, तू नहीं चिपका तेरी माँ की चू। क्या मजाक कर रहे हो? एक और जादू दिखाता हूँ, ये देखिए। क्या बेवकूफ है। ठीक है, चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। हाँ चलो यार। हैरी साले अंधा है क्या? मेरे नए जूते थे ये। इतना पैसा है फिर भी रोता है, नया ले लेना। एना भी ना डोप शोप मारिया करो। हेलो हैरी। हाँ बोलो, क्या काम है? बेशर्मी से तुमने टायलर के स्नीकर्स गंदे करे, अब तुम्हें नए खरीदने पड़ेंगे। दिमाग ठिकाने, चल साइडो। नहीं तो तुम बहुत पछताओगे हैरी। ये बेवकूफ क्या करने वाली है? ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है। कितना और ये सब चलेगा नीता? तुम जानती हो ना कि मैं काम कर रहा हूँ। तुम सारा टाइम काम करते हो, तुम भूल गए कि तुम्हारा एक परिवार भी है। तुम्हें समझ नहीं आया, ऐसे ही तुम्हें पैसे बनाता हूँ। बढ़िया, लेकिन तुम्हारा बेटा जल्द ही भूल जाएगा कि उसका एक बाप भी है। बस बहुत हुआ, अब शांत हो जाइए। बस आपको बहस नहीं आता है, मैं आप दोनों की वजह से चैन से खाना नहीं खा पाता, समझे? अब यहाँ पर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। ये परिवार नहीं है, ये एक पागलखाना है। तुमने देखा तुमने क्या किया? बहुत अच्छे, तुम अपने बेटे पर फिर से चिल्लाए, और अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं उस रोबोट लड़की को शहर में लेके आया हूँ। बढ़िया, शानदार। अगर कोई रोबोट है तो तुम अपने बेटे को पालने के बारे में भूल सकते हो। बेवकूफ, बेवकूफ कहीं की। मेगन, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मैं हम हाँ। अच्छा, पर अभी मेरे घर में सही माहौल नहीं है, हमें स्कूल पार्टी में जाना चाहिए। चलो चलते हैं, किटी ने भी मुझे वहाँ बुलाया है। एरियल, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? हम पिछले एक घंटे से घूम रहे हैं। हैरी को ढूंढना है। और तुमने ये क्यों सोचा कि वो यहाँ है? मैंने मैगन को हैरी का पीछा करते हुए देखा, और फिर वो लोग यहाँ आ गए, और इसके बाद पता नहीं कहाँ गए। क्या बात कर रही हो, क्या उसने हैरी के साथ कुछ किया? हाँ, वो तुम्हें भी डराती है क्या? तुम पूरी पागल हो बेस्टी। बेशक मेगन अजीब है, लेकिन वो क्या ही कर सकती है। शांत, तुमने कुछ सुना? अरे कोई बचाओ मुझे। हैरी! अरे कोई है, बचाओ। हैरी, तुम यहाँ कैसे आए? कुछ याद नहीं, मेरे हाथ में चोट लगी और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। हम मदद करेंगे तुम्हारी। मेगन, हरी मत रहो, ये एक पार्टी है, चलो नाचो ना। हे मेगन, क्या तुम साथ में डांस करोगी? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इसके साथ नाचने वाला है? ये अगर नाचेगी तो ऐसा लगेगा एक पेड़ की डाली हिल रही है। मैं डांस कर सकती हूँ। वाह। अरे वाह यार, मैंने तुझे गलत समझा था, लेकिन तू तो नचनिया निकली यार। मेरी बेस्टी, तुम सबसे कूल हो। बढ़िया नाचती है। तुम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हो, और हमारा क्लासमेट हैरी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या क्या हुआ उसे? पूछना है तो इससे पूछो। एरियल, चुप हो जाओ। मैंने देखा कि ये हैरी का पीछा कर रही थी, और वो मुझे गड्ढे में गिरा हुआ मिला, और उसे नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँचा। और तुम्हें क्या लगता है कि ये मैंने किया? एरियल रुक जाओ, डॉक्टर ने कहा है कि सिर पर चोट लगने की वजह से हैरी को भूलने की बीमारी है, वो ठीक हो जाएगा, उसे सब याद आएगा। अगर ये क्लियर है कि ये मेगन ने किया, तो इंतजार क्यों करें? अरे 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 शांत हो जाओ, मेगन को देखो जरा, वो हैरी को नहीं पीट सकती यार। तुम इस सांप को बचा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? क्या, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और मैं तुम्हें मेगन की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। एरियल चलो यहाँ से। देखने से तो लगता है कि हैरी नहीं बल्कि एरियल सर के बल गिरी है। पर इन झगड़ों से भी हमारी पार्टी नहीं बिगड़ेगी, है ना? ये! ये! शायद अब हम साथ में डांस कर सकते हैं। हाँ करते हैं। ओह टायलर, तुम्हारे बाल। मेरे टायलर को मत छुओ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था दिमाग खराब है रियल का। कमाल की पार्टी थी, टायलर ने लगभग मुझे किस किया। एरियल ने सब गड़बड़ कर दी। भूल गई कि मैंने क्या कहा था, मैं टायलर को डेट नहीं कर सकती। एक किस सब पर बात करते का। ठीक है मैं चुप रहूंगी, लेकिन एरियल का क्या? क्या ये सच है तुमने टायलर को चोट पहुंचाई? क्या, बिल्कुल नहीं। तुम उस पर यकीन करती हो? मेगन, मुझे ये लुक पता है। क्या देखो, परेशान मत करो, मुझे होमवर्क करना है। साफ साफ बताओ, कुछ नहीं किया है तो अपना रिकॉर्ड दिखाओ, दिन भर क्या किया था तुमने? क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें दोस्त पर यकीन नहीं है? ठीक है मैं खुद ही देख लेती हूँ। छूना मत। तुम मुझे डरा रही हो। ये मेरी गलती नहीं है, यकीन करो या नहीं। ये क्या बकवास है? टायलर, कम ऑन। माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुमने मेरी स्कर्ट गंदी कर दी। मैंने कहा ना गलती से, वो अल्लाह साफ कर दूं। ठीक से चलना सीखो बेवकूफ। मेगन पर नजर रखो, अगर वो फिर से टायलर के करीब जाने की कोशिश करे तो मुझे बताओ, समझे? ठीक है। और अब? ओह, अब तो मैं एक भी पल के लिए उसे नजर से ओझल नहीं होने दूंगा। ठीक। और मियां कहाँ है? क्या चल रहा है, ये पहले ही 20 मिनट लेट है। कम ऑन। ओह, उसने कुछ भेजा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेगन, क्या उसने मिया के साथ कुछ किया? उसे रोकना होगा। सावधान एरियल, तुम गिर सकती हो और चोट लग सकती है। तुम्हें मजा आ रहा है ना? ये मजा ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। मिस लेली, मेगन को तुरंत स्कूल से निकालने की जरूरत है। नहीं, उसे जेल जाना चाहिए, वो समाज के लिए खतरनाक है। तुम किस बारे में बात कर रही हो एरियल? मिया लापता है। हाँ, वो लापता नहीं हुई, वो अचानक अपने मम्मी पापा के साथ यूरोप चली गई। कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। हाँ, उसने फोन किया? नहीं, उसने अपने मम्मी पापा का लिखा एक नोट मेगन के हाथ भिजवाया। नहीं, उस पर यकीन मत करो, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया? अरे नहीं, मेगन ने डिलीट कर दिया। लेकिन उसने कब किया? एरियल, लगता है तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे आप समझ नहीं रही हैं, उसने मेगन से मियां से बदला लिया है और हैरी को भी गड्ढे में डाल दिया। उसने जरूर ऐसा कुछ किया है। बहुत हो गया एरियल, बातें बनाना बंद करो, जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे पार्टी में पहले जाना चाहिए था, वो बहुत कूल है। हाँ, लेकिन हम दोनों वहाँ पे अकेले नहीं थे। नहीं टायलर। पर क्यों, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ, लेकिन बस मत करो। खैर, मैं किसी तरह भी उसे पटा लूंगा। अगर उसे पार्टी इतनी ज्यादा पसंद आई तो मैं घर पे पार्टी रख के उसको बुलाऊंगा। अरे बाप रे, ये खबर तो एरियल तक पहुंचानी ही पड़ेगी। साबित करके रहूंगी, मैं साबित करके रहूंगी कि मेगन दोषी है। क्या, टायलर ने फिर से उसको चूमने की कोशिश की? मैं सब पता लगा लूंगी, इंटरनेट पर कुछ होना चाहिए।
नहीं ये भी नहीं। ओ ये क्या, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, एक नैनी रोबोट जो इंसानों से मिलता जुलता है और ये वैसे ही काम करता है। क्या तो मेगन एक रोबोट है? नेट क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। कोई 20 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा है, क्या तुम एक सेकंड उठ सकते हो और दरवाजा खोल सकते हो? टायलर कहाँ है, मुझे उसकी तुरंत जरूरत है। वो यहाँ नहीं है, क्या हुआ? मेगन वो एक रोबोट है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें कैसे? मुझे अभी टायलर को सब कुछ बताना है। कोई जरूरत नहीं है, टायलर को वैसे ही पता नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? हम सब समझा देंगे। बेचारा लड़का, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने उसका ख्याल नहीं रखा। सुनो मेरी जान, खुद को दोष देना तो बंद करो, ठीक है? हम चाह कर भी उस पर हमेशा नजर तो नहीं रख सकते ना। Excuse me, मैंने आप लोगों की बातें सुनी और शायद मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। भला ये कौन है, एक स्कूल की लड़की हमारी मदद कैसे कर सकती है? ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, ये मैगन है, दुनिया की सबसे अच्छी नैनी रोबोट। उसका काम बच्चे की रक्षा करना है। उसके बारे में अभी तक के सारे रिव्यूज 5+ हैं। तुम क्या सोचते हो डियर, ये एक सलूशन जैसा तो लगता है। अच्छा ठीक है, हम इस मैगन को लेने के लिए तैयार हैं। तो आपने उसे टायलर की रक्षा के लिए काम पे रखा है? हाँ, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वो वास्तव में आखिर कौन है। लेकिन वो उसे प्यार करता है, उन दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी तो वो उसे कहीं दूर ले जाएगी। मेगन एक रोबोट है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। टायलर स्कूल खत्म करेगा और मेगन उसकी लाइफ से गायब हो जाएगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यस! तो फिर मेरे पास उसकी गर्लफ्रेंड बनने का मौका है। सब ठीक है। टायलर, मेगन तुमसे मिलने आई है। आखिरकार अंदर आ जाओ। हाय। ये क्या है, तुमने कहा था तुम पार्टी कर रहे हो। हाँ मैंने पार्टी ही प्लान की थी, लेकिन फिर सबने कहा कि वो नहीं आ सकते, तो इसलिए मैंने सिर्फ हम दोनों का टेबल लगा दिया। देखो टायलर, अगर ये एक डेट है तो मैं जा रही हूँ। अरे यार रुको प्लीज, मुझे कम से कम एक मौका तो दो। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ बैठो, स्मूदी चाय करो, मैंने खुद बनाई है। टायलर तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अरे पापा आप लेट हो गए, तुमने मेरी कार फिर से खरोंच दी। मैंने तुमसे बोला था कि गैराज में स्केटबोर्ड मत चलाया करो। मैंने उसे नहीं चलाया। अच्छा तो कौन, भूत आया था क्या? तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। अब टाइम आ चुका कि मैं स्केटबोर्ड को ही तोड़ डालूं। एक महीने में तीसरा स्क्रैच है। हेलो मिस्टर ने। मेगन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त टायलर के साथ होना चाहिए ना, तुम लिविंग रूम में क्या कर रही हो? टायलर को कोई परेशान नहीं कर सकता। मेगन ये तुम क्या कर रही हो? हाय टायलर, इतने दुखी क्यों हो? मेगन डेट से भाग गई थी। क्या? छोड़ो ना, वैसे तुम्हें मेगन की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो एरियल, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पापा लापता हैं और वो नहीं मिल रहे। लापता? मुझे पता है उनके साथ क्या हुआ, शायद मेगन को भी पता है। क्या बोल रही हो, शायद तुम्हें हर बात का इल्जाम मेगन पे लगाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन वही है, तुम समझते क्यों नहीं हो? बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो समझी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ। टायलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर कोई फ्री हॉट डॉग के लिए हॉल में इकट्ठा हुआ है। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकती हूँ। ओके, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो बिन बताए हमारी डेट से भाग गई, और मुझे शक है कि तुम इस बात में मेरी मदद नहीं कर सकती। हाँ मेगन पक्का इसी शहर में है, इससे पहले कि वो इस शहर को दुनिया से मिटा दे हमें उसे ढूंढना होगा। मेगन क्या तुम रो रही हो? नहीं, तुम सच में रो रही हो? मुझे लगा था तुम रो नहीं सकती, आखिर हुआ क्या है? प्यार यही करता है, एक रोबोट के लिए भी। कम ऑन बताओ मुझे, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे टायलर से प्यार हो गया है और अब मैं उसे दूर नहीं रह सकती। तो मत करो ना, तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो।
लेकिन मैं रोबोट हूँ। तो क्या, लोग तो आजकल कार से भी शादी कर रहे हैं। आपस में प्यार हो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, क्या तुम्हें लगता है हमें डेटिंग शुरू करनी चाहिए? बेशक, मुझे पता है टायलर कहाँ पर है। चलो। मेगन, मैं वो ये क्या था? इसे मेरे प्यार का इजहार समझो। तो तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, मैं इसे छिपाकर थक चुकी हूँ। मैं तो क्यूटनेस ओवरलोड से बेहोश होने वाली हूँ। तो अब हम कपल हैं? हाँ। ठीक है लव बर्ड्स, मुझे इंस्टा के लिए एक फोटो लेने दो। इसके बारे में तो सबको जानना होगा। वो स्माइल, चलो वो। देखो तुम कितनी सुंदर हो एरियल। मैगन के पास कोई चांस नहीं है, टायलर तुम्हारा होगा। ओ वाओ, टायलर ने फोटो पोस्ट की। क्या ये एक साथ है? सही है भाई, चार दिन में भर्ती क्या रहा, तुम लोग तो साले कपल ही बन गए। क्या जोड़ी है लेकिन, है ना? वो कमाल के है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस करो, लगता है तुम्हारी दोस्त मुझसे ज्यादा खुश है कि हम दोनों साथ हैं। बिल्कुल। अरे एरियल ये देख के गुस्सा हो जाएगी। लो आ गई वो। तुम दोनों। अरे, क्या हुआ? एरियल, एरियल, मेगन को परेशान करना बंद करो। मैं उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों कपल हैं। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता है ये कौन है? ये तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा खरीदी हुई एक नैनी रोबोट है। ये क्या क्या बकवास है ये? बकवास, ये देखो। मान गए? क्या ये सच है? और ये हमारे शहर को पूरी तरह से खत्म कर रही है। हैरी, मिया और क्रिस्टी को इस लड़की ने पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया है। पूछो इससे। एरियल, क्या कहा? हैरी और मैं यही हैं। और मैं भी। लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या सोचा, मुझे जुकाम हुआ था, मैं घर पर ही थी। मैं मम्मी पापा के साथ मासी से मिलने गई थी। अरे यार, मैं आसमान को देखकर हनी सिंह का गाना गा रहा था, नीचे गड्ढा है, मैंने देखा ही नहीं। देखा एरियल, मेगन निर्दोष है। टायलर के पापा का क्या? वो बिना बताए अफ्रीका में किसी बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते। तो मैंने खुद को शर्मिंदा किया। ठीक है, कर लो तुम इससे दोस्ती, जाओ। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने मुझ पर शक किया। लेकिन मैं सच में प्यार करती हूँ। तो तुम मुझे प्यार नहीं करती, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें बस मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा है। नहीं, हाँ, मैं एक नैनी हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम पे और भरोसा नहीं है। ये मेगन कहाँ है? ध्यान से, तुम देख कर क्यों नहीं चलती हो? रुको, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? मैंने किसी को नहीं देखा, बाहर में जाओ। क्या पक्का तुम पहले की तरह किसी को चोट नहीं पहुंचा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं बस उनसे बात कर रही थी ताकि वो टायलर को चोट ना पहुंचाए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसके पेरेंट्स ने तुम्हें नानी के काम पर रखा है? उन्होंने कहा किसी को पता ना चले, अब टायलर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे चलो, रोना बंद करो। हाँ, क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? मैं पैसे देती हूँ। हाँ चलो, तुम्हारे सर्किट्स को ठंडा करते हैं, जल्दी आती हूँ मैं। पकड़ लिया। सिंडी, अब तो मेरे हाथों से भाग नहीं पाओगी। मेगन, कहाँ पर हो तुम? अरे नहीं, लगता है डेवलपर वापस आ गया है। आ रहा हूँ ना, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेगन, वो चली गई है। मैं मेगन के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन डेवलपर ने उसे ले लिया, वो मेगन की याददाश्त मिटाने वाली है। और वो मेगन को कहाँ ले गई? डेवलपर को उसके लिए एक लैब की जरूरत होगी। हमारे शहर में बस एक ही है और मुझे पता है कहाँ है। बस थोड़ा और तुम एक अच्छी रोबोट बन जाओगी। बंद करो इसे। मेगन, नहीं, उसे रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। तुम्हें पता नहीं कि उसने क्या किया है? उसने कई लोगों को मारा है।
वो बदल गई है। जब तक उसका प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखा जाता वो नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें मेगन की यादें नहीं मिटाने दूंगा, वो मुझे भूल जाएगी। नहीं तुमने बहुत देर कर दी। मेगन कैसी हो तुम? मेगन क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं हूँ टाइलर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं रोबोट नैनी मेगन। ओ नहीं! क्या करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास पहले से ही ट्विस्टर है। आप पहले से ही नियम जानते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही ट्विस्टर के साथ एक वीडियो है, लेकिन वो बहुत आसान था तो हमने इसे कठिन बनाने का सोचा। तुम्हारा आइडिया? मेरा आइडिया, मैंने यहाँ सब खूबसूरती से सजाया। अच्छा, तो ये ग्रीन, ये ऑरेंज, तो ये है येलो। देखो जो येलो में है वो टट्टी है और बाकी सभी में कैट फूड रखा हुआ है, तो हमें इसे संभाल कर स्टैम्प करना है। अगर और ये जो रेड है इसमें मिट्टी वगैरह है, तो हमारे हमारे हाथ आज गंदे होने वाले हैं, बिल्कुल बहुत सारे। और पैर भी, हमें जूते उतारने होंगे। ये सब क्यों यार, पागल हो क्या तुम लोग? तुम्हें अपने जूते उतारने की जरूरत नहीं मिलते। नहीं, हमको निकालना नहीं। मैं निकालूंगा ही नहीं अपने जूते। जूते किसी भी हालत में नहीं उतारूंगा यार, जूते तो सभी। लेकिन पहले जज भी हार गए। जोक बहुत अच्छा मार लेती हो तुम। तुम्हारा राइट हैंड येलो कलर पर जाएगा। नहीं, चलो खेलते हैं फिर। क्या होता है, मैं इस पे हाथ रखने वाला हूँ। ये देखो ऐसे, ये हाँ, ये बड़ी बकवास है। देखो इसको थोड़ा हो गया। शुक्रिया। अब देखते हैं इसके पैर कहाँ पर आते हैं। सिंडी तुम्हारा राइट पैर रेड कलर पर जाएगा। चलो 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 जल्दी आ जाओ। बहुत अच्छे करती हो। क्या फिसलन है? ठीक है किटी, राइट पैर रेड पर। बहुत ज्यादा फिसलन है। ये अब 100% होगा। हाँ। सच में बहुत तुम्हारा राइट पैर अब येलो पर। हाँ, मैंने ट्रिक करने का सोचा। तो अब सच पर आते हैं, तुम्हारा राइट पैर रेड कलर पर होगा। वाओ। और रेड सच में तुम पर सूट करता है। हाँ, और इसीलिए सिंडी अगला तुम्हारा राइट येलो पर। हाँ, तो चलो जरा ध्यान से करते हैं, मजा आएगा। चलो चलो चलो। अबे यार बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल। किटी तुम्हारा राइट हैंड ब्लू पर। ओ विंग। अगला लेफ्ट हैंड येलो पर। लेफ्ट हैंड येलो पर। सच तुम्हारा राइट हैंड हमेशा ऊपर होना चाहिए। लेफ्ट फुट हवा में होना चाहिए। सिंडी बचाओ। तो फिर खड़े कैसे रहने वाली है अपने? मैं और नहीं रुक सकती। इसमें जो है वही बता रही हूँ, यही रूल्स है। किटी लेफ्ट पैर ब्लू पर। अब तो आने वाला है मजा। राइट पैर पर। हाँ, वो लाल ऐसे ग्रीन। ठीक है, अरे यार अगर मैं गिरी तो डलिए पे गिरूंगी। ओ, मेरा हाथ। जल्दी करो। राइट हैंड ग्रीन पर। राइट, हे भगवान। राइट हैंड ग्रीन पर, चलो चले। तुम ग्रीन पर क्यों आ रहे हो? और किटी तुम्हारा राइट पैर भी ग्रीन पर है। तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अबे मेरा हाथ अकड़ गया है यहाँ पर। अब राइट पैर जाएगा। अरे ध्यान से करो अरियल, राइट हैंड ऊपर। तुम्हारा लेफ्ट पैर रेड पर है। दिखाओ कहाँ तक स्ट्रेच हो सकते हैं। इसने कहा कि तुम्हारा राइट पैर हवा में होना चाहिए। ओ, बिल्कुल स्लिपरी, मैं तो गिर जाऊंगा। मैं ये करके रहूंगी। देखो, लेफ्ट पैर ब्लू पर। ओ, डैम। और अब राइट पैर रेड पर। ओ,
लग रही है। क्या हो रहा है? मेरे पास इसे रखने के लिए जगह नहीं है। कोशिश करो। कितनी? लेफ्ट हैंड ग्रीन पर होगा। नहीं। अरे बिल्कुल होगा। नहीं अफ्री, ग्रीन कहाँ पर है? बस यही है। ये रहा। वो। एरियल राइट पैर येलो पर। वाओ। गॉड मैन। बढ़िया, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये सब आपको पसंद है या नहीं। हम तभी दोबारा शूट करेंगे। जैच राइट पैर येलो पर। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सिंडी लेफ्ट पैर ब्लू पर। ओ ये अच्छा है। ध्यान से। अबे राइट पैर रेड पर। अरियल सब इतना आसान क्यों है? मैं तुम्हें उलझा रही हूँ। जैच राइट पैर येलो पर। ये भी गई। अब मेरी बारी जीतने की। मेरी कीचड़ कहाँ है? देखो मैं सच में किसी से प्यार करती हूँ। I love you। अरियल हमारे लिए बहुत यमी है। और जैच तुम्हारा लेफ्ट पैर रेड पर। लेफ्ट पैर मेरा बिल्कुल रेड पर ही है। बढ़िया। तो अब सिंडी को बधाई, वो ये सब खा सकती है। दूर रहो। प्लीज 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 दूर रहो। ये लो 50 तोले की चेन, लो रख लो। शुक्रिया गाइस। ये सब तो ओ मेरे बाल। क्या बकवास है यार। आप सब देखिए, बताइए आप लोग को कैसा लगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ अच्छा लगा नहीं लगा, कौन अच्छा खेला कौन घटिया खेला, सब कुछ बताओ कमेंट में, ठीक है? हाँ हाँ लो लो। और अब काउंट पर 3, 2, 1 पर शुरू होंगे ब्लूपर्स। हे तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगी? तो नहीं रुको, ऐसा नहीं है। अनीता क्या तुम शांत हो सकती हो? तुम जानती हो ना कि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने खाया नहीं है। बस बस एक सेकंड, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। तो आप उसे टाइलर की नैनी के तौर पे। टाइलर सॉरी। मेगन को परेशान करना बंद करो, मैं उसे प्यार करता हूँ, हम दोनों कपल हैं। तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम उनके लिए नैनी का काम कर। बकवास। हमारे शहर में बस एक ही है और मैं जानता हूँ वो कहाँ है। ओ अरे बाप रे, तुम पहलवान की बेटी हो क्या?